जय हिंद दोस्तों। देखिए, चाइना का एक सर्विलेंस जहाज मालदीव के मेन पोर्ट माले पे डॉक करने वाला है, या शायद इस वक्त तक कर भी चुका होगा, जिसे मोहम्मद म्यूजी मालदीव के प्रेसिडेंट खुद जाकर चाइना इनवाइट किए थे। अब समझते हैं यह जहाज क्या क्या कर सकता है। चाइना का जो समुद्री सीमा है ना, वो बहुत बड़ा है और उसका विवाद भी है पूरे दक्षिणी चीन सागर को लेके। इसीलिए चाइना को हमेशा वहाँ निगरानी की जरूरत पड़ती है। इस सिलसिले में उसने अपना एक जहाज बनाया है युआन वांग करके, जो टोटल 9 जहाज है और उसी का यह तीसरा जहाज है युआन वांग 3, जिसे 1995 में चाइनीज नेवी के द्वारा पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। यह बहुत भारी भरकम जहाज है, 20 से 25 हजार टन इसका विस्थापन क्षमता है। इतना भारी भरकम जहाज है मतलब समझिए 40 से 45 हजार टन विस्थापन क्षमता जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उनका होता है, और इसका 25 हजार टन विस्थापन क्षमता है, और इसे चलाने के लिए 470 से 480 क्रू मेंबर की जरूरत पड़ती है, और यह समुद्र में 37 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जा सकता है, और यह 180 मीटर लंबा है तथा 22.2 मीटर चौड़ा है। और यह करता क्या है, तो यह सर्विलेंस का काम करता है, मतलब जासूसी का काम करता है। इसके ऊपर जो ये बड़े बड़े एंटीने लगे हैं, इसको किसी भी डायरेक्शन में मोड़ा जा सकता है, और ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है सैटेलाइट से। और ये जो बड़े बड़े एंटीना हैं, वो इतने खतरनाक हैं कि 750 किलोमीटर के रेंज में किसी बैलिस्टिक मिसाइल के ट्रैजेक्टरी को भी ट्रैक कर लेता है। सैटेलाइट्स के पोजीशन तक को ये ट्रैक कर लेता है, कम्युनिकेशन को ये ट्रैक कर लेता है। अगर ये किसी खास स्पेसिफिक एरिया से गुजर रहा है, तो वहाँ पे छोटा से छोटा जो कम्युनिकेशन होता है, जो डाटा भेजा जाता है, उसे भी ये ट्रैक कर लेता है और इजिली डिकोड कर लेता है। इसकी पावर इतना जबरदस्त है। भारत के पास भी इसके जैसा एक जहाज है, लेकिन एक ही है, INS ध्रुव, जिसे हाल में ही 10 सितंबर 2021 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। लेकिन ये बहुत छोटा है, वहीं चाइना का बहुत बड़ा है और हाईटेक भी है इसके मुकाबले। 16 जनवरी को ये शिप चाइना के सनाया पोर्ट से चल दिया था, क्योंकि 10 जनवरी को मोहम्मद म्यूजू मालदीव के प्रेसिडेंट चाइना के दौरे पे गए थे, और वहीं अनुमति दे दिए चाइना को कि आप हमारे यहाँ आकर शिप को डॉक करिए, क्योंकि इसी का एक जहाज युआन वांग 5 श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पे आने वाला था। लेकिन भारत की सुरक्षा को इससे खतरा था, सो यह जहाज श्रीलंका नहीं आ पाया था। ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीति जीत भी थी उस टाइम। लेकिन अब ये मालदीव के सबसे मेन पोर्ट माले पे डॉक कर चुका है, और मालदीव का भारत के इतने करीब होने की वजह से जो भारत का ये साउथ का इलाका है, जो नीचे वाला इलाका है, उस पे खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि आप नीचे देखिए, भारत के दो बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर इसके रेंज में आते हैं, कलकप्पम न्यूक्लियर रिएक्टर और कुंडाकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर। हमारे दो दो न्यूक्लियर रिएक्टर के ये इतने करीब होने की वजह से जो खुफिया जानकारी होती है, उसे भी ये चुरा सकता है। इसमें इतने खतरनाक एंटीने लगे हुए हैं, और ये डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट रहते हैं। इसके अंदर अंडरवाटर ड्रोन मौजूद है, सो ये भले ही मालदीव में रहेगा, लेकिन अंडरवाटर ड्रोन के हेल्प से ये भारत के तट तक जाकर जासूसी कर सकता है। इतना ही नहीं, इसके वजह से भारत के 6 बड़े बड़े बंदरगाह इसके रडार पे हैं, इसके रेंज में हैं। देखिए, चाइना ऊपर से सैटेलाइट के मदद से जासूसी कर लेता है, और ये जो शिप है, इसमें इसके जो एंटीना है वो मुड़ जाते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकते हैं, और ये साइड से निगरानी कर लेता है। तो जब आप ऊपर से देख लेते हो, साइड से किसी चीज को देख लेते हो, तो जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो डाटा होता है, बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाता है, जिससे जो हमारे बंदरगाह हैं उनके भी सुरक्षा पे सवाल उठ जाता है। साथ में मालदीव का भारत से इतने करीब होने के वजह से जो हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो श्रीहरिकोटा में स्थित है, वो भी सीधे इसके रेंज में आता है। PSLV हो या GSLV, ये सब बहुत सेंसेटिव डाटा होता है, और अगर ये सेंसेटिव डाटा चाइना ट्रैक कर लेता है, तो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये PSLV के किसी खास कम्युनिकेशन को ट्रैक कर लेता है, तो युद्ध के दौरान ये साइबर अटैक भी कर सकता है, क्योंकि अगर इसे पहले से पता होगा कि भारत किस फ्रीक्वेंसी पे अपने PSLV रॉकेट को लॉन्च कर रहा है, तो ये रॉकेट या PSLV के पाथ को डिस्टर्ब कर सकता है साइबर अटैक के माध्यम से, जिससे भारत को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसीलिए भारत को नहीं, इससे बहुत ज्यादा खतरा है। इस जहाज का मालदीव में आने की वजह से एक और चिंता बढ़ जाती है। मालदीव के सबसे करीब है हमारा केरल, और केरल में ही वायुसेना का दक्षिणी कमांड और नेवी का दक्षिणी कमांड मौजूद है। नेवी का जो कमांड है वो कोचिन में स्थित है, और जो एयरफोर्स का कमांड है वो तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जो सीधे इसके रडार में आते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ये एक बार एयरफोर्स और नेवी के उस फ्रीक्वेंसी को ट्रैक कर लिया, जिस फ्रीक्वेंसी पे एयरफोर्स और नेवी कम्युनिकेट करते हैं, फिर जब चाहे चाइना भारत के लिए मैसिव लेवल का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
और इससे कोई भी खुफिया जानकारी नहीं छुपाया जा सकता है। ये इतना हाईटेक है, छोटी से छोटी जानकारी भी ये जुटा लेता है, छोटे से छोटे कम्युनिकेशन के जो डाटा होते हैं इन्हें भी ये ट्रैक कर लेता है और इजिली डिकोड कर लेता है। ऐसा नहीं है कि भारत चुप है, भारत ने इतने बड़े प्रॉब्लम से मालदीव को अवगत भी कराया, लेकिन मालदीव ने बोला कि इसे कोई भी रिसर्च इक्विपमेंट यूज नहीं करने देंगे, ये सिर्फ डॉक करेगा। लेकिन सच्चाई सबको पता है, अब ये अपना रडार ऑन कर ले तो मालदीव के पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो पता कर पाए कि इसका रडार ऑन है या ऑफ है। वो ऑन कर ही लेगा, आप उसको रोक थोड़े ही पाइएगा। उसका काम ही है मरीन रिसर्च करना, मरीन रिसर्च के नाम पे जासूसी करना, तो अपना काम तो बखूबी करेगा। और ये भी सच्चाई है कि मोहम्मद म्यूजी उसको खुद अपने देश में बुलाए हैं। हालांकि यहाँ मालदीव कहना सही नहीं होगा, सिर्फ मोहम्मद म्यूजी कहना सही होगा, क्योंकि ये जो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है ये सिर्फ मोहम्मद म्यूजी की वजह से क्रिएट हो रहा है। कुछ दिन पहले ही मोहम्मद म्यूजी लात खाए हैं अपने ही पार्लियामेंट में। धीरे धीरे देखिए तो जो मालदीव का अर्थव्यवस्था है वो गिर रहा है। सच्चाई ये है कि मालदीव अब धीरे धीरे चीन के जाल में फंसता चला जा रहा है। BRI जैसे प्रोजेक्ट के माध्यम से चाइना ऑलरेडी मालदीव को बहुत ज्यादा कर्ज दे चुका है, और इन फ्यूचर ऐसे सिनेरियो देखा जा रहा है कि मालदीव और ज्यादा कर्ज लेगा चाइना से, जो भारत के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं होगा। सो अगर म्यूजी सरकार अभी नहीं गिरता है तो इन फ्यूचर भारत के लिए और खतरा बढ़ने वाला है। सो भारत को अभी ही मालदीव पे दबाव बनाना होगा। ये बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए। क्या पता ये चाइना का जो स्पाई शिप है ये पूरे इंडियन ओशियन में एक ऐसे सेंसर्स का जाल बिछा रहा हो जिससे जो हमारे सबमरीन्स हैं, जो हमारे वारशिप्स हैं इंडियन नेवी के, उनका जो रियल टाइम लोकेशन होता है वो किसी भी वक्त ट्रैक कर पाए और उसे भारत का हर एक मूव पता चल जाए। सो भारत को भी अब एग्रेसिव होना पड़ेगा। कब तक हम डिफेंसिव रहेंगे? जैसे रशिया मजबूर है यूक्रेन से लड़ने के लिए, क्योंकि ये सच्चाई सबको पता है कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बनता है तो फिर रशिया यूक्रेन का कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। अगर कुछ भी होता है तो जो नाटो के देश है वो मिलके अकेले रशिया को इतना मारेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ऐसे ही भारत को भी मोहम्मद म्यूजू के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, क्योंकि इन फ्यूचर अगर ये जो चाइना के सर्विलेंसशिप है ऐसे ही मालदीव आते रहे तो फ्यूचर में भारत के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और भारत को भी सोचना चाहिए कि कब तक हम किसी का जवाब देते रहेंगे, कब तक हम डिफेंसिव रहेंगे। अब भारत को भी एग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि भारत इसके जवाब में अपना सबमरीन INS करंज को श्रीलंका भेजा उसके 2024वें इंडिपेंडेंस डे 4 जनवरी के दिन। लेकिन इससे क्या होता है भाई, भारत को भी चाइना के बॉर्डर के तरफ खूब ज्यादा युद्ध अभ्यास करना चाहिए। अपने INS ध्रुव को भी साउथ चाइना के तरफ मरीन रिसर्च के नाम पे भेजना चाहिए। कब तक हम डिफेंसिव रहेंगे, कभी तो हमें भी एग्रेसिव बनना पड़ेगा। और भारत को और ज्यादा INS ध्रुव जैसे सर्विलेंस जहाज की जरूरत पड़ने वाली है, तो इसके नंबर्स को भी भारत सरकार को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसे रिसर्च वेसल से ही डाटा और इन्फॉर्मेशन आता है। सो भारत को अगर विश्व गुरु फ्यूचर में बनना है तो ये जो डाटा और इन्फॉर्मेशन का खेल है, जिसके पास जितना ज्यादा डाटा जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन वही होता है सुपर पावर। भारत को हर तरफ से तैयार होना होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक पे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय।